तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कीबोर्ड यूज करते हो उस कीबोर्ड के जो कीज है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में क्यों नहीं है, यानी कि ए बी सी डी इस ऑर्डर में क्यों नहीं है। अभी आप जो कीबोर्ड यूज करते हो अपने स्मार्टफोन में या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में, उसकी जो सीक्वेंस है वो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई इसी फॉर्मेट में क्यों है, और यही फॉर्मेट जो है वो क्यों यूज किया गया, आज इसके ऊपर हम बात करने वाले। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता होगा तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि यह ऐसा फॉर्मेट क्यों यूज किया गया और इसे किसने बनाया था। तो जिसको पता नहीं वो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमारे कीबोर्ड की जो कीज है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं है, और क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई इस फॉर्मेट में ही हमारी जो कीज है वो क्यों है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई जो फॉर्मेट है वो किसने बनाया। तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई जो फॉर्मेट है वो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने बनाया था। जो हम अभी यूज कर रहे हैं जो वो फॉर्मेट क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने वो क्रिएट किया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो कीबोर्ड की जो फॉर्मेट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं है, यानी कि ए बी सी डी ई इस फॉर्मेट में क्यों नहीं है। तो दोस्तों देखो, जब भी पहला कीबोर्ड बनाया गया था तो उसी टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ही कीबोर्ड जो है वो बनाया गया था, और उस टाइम कीबोर्ड्स के जो बटन्स थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। तो उस वक्त क्या होता था, जब भी आप कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने जाते थे तो वहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो स्पीड नहीं मिलती थी, यानी कि अभी आप टाइप करने बैठोगे तो फटाफट फटाफट एक दो मिनट में एक पैराग्राफ या फिर जो भी आपको टाइप करना है वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड रहेगा, आप फटाफट टाइप करके उसे खत्म कर दोगे। लेकिन पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब भी कीबोर्ड बनाया गया था तो उस समय ये स्पीड जो है वो स्पीड उसमें देखने के लिए नहीं मिलती थी, और वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन टाइप करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, और उस टाइम कीबोर्ड के जो बटन्स है वो भी बहुत बड़े थे। लेकिन आगे जाके रिसर्च किए गए, बहुत सारे कीबोर्ड्स के जो फॉर्मेट्स है वो भी देखे गए, और उसमें एक फॉर्मेट जो है वो सक्सेसफुल देखने के लिए मिला, वो अभी आप जो यूज़ कर रहे हो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट तभी से लेके अभी तक जो है वो यूज़ करते हम आ रहे हैं। उसी फॉर्मेट में जो है वो कीबोर्ड की जो टाइपिंग करने की जो स्पीड है वो अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने के लिए मिलती रही थी, और जो कीबोर्ड्स के बाद में जो बटन है वो धीरे धीरे जो भी है वो छोटे करते गए, और उसी टाइम हमें कीबोर्ड की स्पीड में भी जब भी आप अभी देख लो कि अभी आप कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करते हो तो बहुत आप स्पीड टाइप करते हो, तो इसी फॉर्मेट की वजह से आप जो है वो जो स्पीडली टाइप कर सकते हो। तो इस फॉर्मेट को जो बनाया था वो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने बनाया था। इस फॉर्मेट को जो है वो उन्होंने रिसर्च करके जो है वो ये फॉर्मेट बनाया था। तो यही एक स्टोरी थी उस कीबोर्ड के जो बटन है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना होने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो ये वीडियो है वो कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।